शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकार परिषद ली, जिस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा की। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार के वित्त विभाग की ओर से जो बजट निकाला गया है वो बहुत ही अच्छा है। वहीं उन्होंने मनपा चुनाव में भाजपा के साथ युति कर चुनाव लड़ने की बात कही। हाल ही में केंद्र सरकार के वित्त विभाग की ओर से बजट 2022 पेश किया गया, इस पर कई लोगों की ओर से अपनी राय रखी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी बजट पर बात करते हुए कहा कि ये एक बेहद ही अच्छा बजट है। साथ ही उन्होंने पांच राज्यों में चल रही चुनावी हलचल में बीजेपी लहर और बीजेपी की शत प्रतिशत जीत की भी बात कही। अपने माहित है कि 2022-23 जो बजट है, हे बजेट सर्व वर्गाला न्याय देणार बजेट आहे। निर्मला सीतारामन यांचं जे बजेट आहे, मोदी सरकारचं बजेट, हे दलित, आदिवासी, दिव्यांगजन, ओबीसी, अल्पसंख्याक, उद्योग क्षेत्रातले लोक, शेतकरी आणि सर्वांसाठी हे बजेट अत्यंत उपयुक्त असणारं बजेट आहे। माझ्या मंत्रालयाचं जे बजेट आहे ते गेल्या वर्षीचं बजेट 1,26,359 होतं करोड, या वर्षी त्या बजेटमध्ये वाढ झालेली आहे आणि जवळजवळ 1,42,334 एवढं बजेट माझ्या मंत्रालयाचं आहे। म्हणजे हे बजेट आहे ते शेड्यूल कास्ट कंपोनंट प्लॅन आहे। आदिवासींचं जे बजेट आहे ते आदिवासी ट्रायबल प्लॅन जो आहे तो 89,000 करोडचा आहे। शशि थरूर द्वारा आठवले पर टिप्पणी की गई थी, जिसके पश्चात आठवले ने उनकी अंग्रेजी सुधारी। ये मामला बीते कुछ समय से सुर्खियों में चल ही रहा था कि शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में आठवले ने शशि थरूर पर कविता सुना दी। जिनकी इंग्लिश मैंने देखी उनका नाम है शशि, जिनकी इंग्लिश मैंने देखी ट्विटर पर उनका नाम है शशि, और उनका बयान देकर मुझे आती है हंसी। इस वक्त उन्होंने मनपा चुनाव में भाजपा के साथ युति कर चुनाव लड़ने की बात भी कही। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।